ओवरऑल हम लोगों का 4 मेंबर्स का बिल केवल आया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में जो मैंने प्रॉमिस किया था वो आज मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा कि हमारा टोटल खीर गंगा और मनाली में हमारा टोटल जो एक्सपेंसेस थे, हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस थे वो कितने लगे हैं। हमारे इधर एक ये हाईवे टूवर्ड्स नोएडा होते हुए ये एक हाईवे क्रिएट हो रहा है जो मुंबई के लिए यहाँ से गुड़गांव होते हुए मुंबई में टच करेगा ये। और ये पहले केवल सिंगल ऐसी रोड हुआ करती थी जिसे अब वहाँ तक पूरा एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। इतनी दूर तक वो एक्सटेंडेड है, ये देखिए आप। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी कार की सेकंड सर्विस कराने, क्योंकि सेकेंड सर्विस जो थी 10,000 किलोमीटर पे थी। राइट नाउ जो मेरी गाड़ी जो चल गई 9927 मेरी कार चल चुकी है, और आज का मौसम जो है कुछ इस तरीके का हुआ है कि गर्मी तो बहुत है बट धूप नहीं। अभी सुबह के केवल 8:45 हो रहा है और राइट नाउ जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 37 डिग्री है, और 37 डिग्री के साथ ह्यूमिडिटी जो है वो 20% है अभी। बट 20% कहने के लिए है, बाकी वेदर है तो ठीक है बट बाहर गर्म हवा बहुत तेज चल रही है। ये कालिंदी कुंज से आते वक्त ये पूरा एरिया जो है वो काफ़ी अच्छा कर दिया जाएगा कुछ दिनों में ही। यहाँ पे बेसिकली ये एक थोड़ा सा एरिया क्रिएट किया गया है जहाँ पे जो भी फ्लाईओवर से रिलेटेड या कुछ भी आप कह लीजिए, बेसिकली इस हाईवे से रिलेटेड जो भी वर्क होना है, अगर पिलर्स कुछ क्रिएट करने हैं वो भी यहीं पे बन रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं पिलर्स के ऊपर फ्लाईओवर क्रिएट करने के लिए जो भी लगता है वो यहीं पे क्रिएट हो रहा है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पे लगी हुई हैं। फ्रॉम लास्ट 1 मंथ मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है कि एवरी वीक सैटरडे को मैं हमेशा अपनी एक वीडियो जो है वो रिलीज़ करूँगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जा रही थी जिसकी वजह से कोई वीडियो क्रिएट नहीं हो रही थी, तो अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एवरी सैटरडे अगर मैं कहीं घूमने ज़्यादा मतलब उस पे एरिया पे नहीं अगर जाता हूँ जहाँ पे नेटवर्क नॉन नेटवर्क एरिया है, तो एवरी सैटरडे मेरी एक वीडियो आप लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी। सामने का वेदर आप लोग देखिए कैसा हुआ पड़ा है वेदर, धूप बिल्कुल नहीं। आज की ये वीडियो मेरी जो है आप लोग ज़रूर पूरी देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में मैं पूरा इलेबरेट करूँगा कि आप लोगों को मनाली खीर गंगा अगर आप लोग जाते हैं ओवरऑल आप लोगों का खर्चा कितना आएगा। वैसे एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि हम 4 मेंबर्स गए थे अपनी कार से, और नियर अबाउट हम लोगों का जो खर्चे आए थे वो थे लगभग बिलो 10,000। बाकी रेस्ट एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे 100 की लिमिट है बट हमने 81 का केवल क्रूज डाला हुआ है। और मौसम देखो आप लोग, ये गाजियाबाद के पास से हम लोग गुजर रहे हैं। अब हम भी सर्विस सेंटर पे पहुँचने वाले हैं।
तो अभी राइट नाउ टाइम जो हो रहा है वो 1 बज चुके हैं दोपहर के, और सुबह जितना बढ़िया मौसम था उतना ही इस टाइम पे खराब हो चुका है, क्योंकि बहुत तेज धूप हो चुकी है और मेरी गाड़ी की सर्विस भी हो गई। तो अब घर जाते हैं। सामने मौसम देखिए, राइट नाउ 43 डिग्री टेम्परेचर है और धूप कितनी तेज है। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधे घर पहुँच के, और फिर आप लोगों को अपनी आइटनरी के अकॉर्डिंग जो हमारे एक्सपेंसेस हुए थे टूवर्ड्स खीर गंगा जाते वक्त और मनाली में हमने हमारे क्या क्या वो हुए थे खर्चे, वो सारी चीज़ें मैं आज इलेबरेट करूँगा आप लोगों को। तो हेलो फ्रेंड्स, तो टोटल जो हम लोगों का पेट्रोल बिल लगा था वो लगा था 11,838 रुपये का, और जो हम लोगों का दिल्ली टू मनाली तोश सोलांग अटल टनल फिर सिसु से वापसी दिल्ली, सिसु से सोलांग, सोलांग से दिल्ली जो हम लोगों की वापसी हुई थी, जो उसमें जो टोटल टोल जो कटा था इंक्लूडिंग कार पार्किंग वो 875 रुपीज़ केवल कटा था। और इतने दिन की जर्नी में हम 4 मेंबर्स का फूड बिल जो आया था वो 6,110 रुपीज़ का एक्चुअल बिल मैं आपको बता रहा हूँ। और अकोमोडेशन का अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने केवल 2 जगह स्टे किया था। एक हमारा स्टे हुआ था खीरगंगा टॉप पे, जहाँ पे हम लोगों का लगा था केवल 1,000 रुपीज़ फॉर टेंट, और जो हम लोगों ने खाना वो किया था फूड बिल सेपरेट था। बट एकोमोडेशन में हम लोगों का केवल खीरगंगा पे 1,000 रुपये लगा था। फिर हम लोग जब वापस आए थे तो सोलांग में हम लोगों ने एक नाइट स्टे किया था, जहाँ पे हम लोगों का जो रूम था वो बहुत अच्छा था और वहाँ पे केवल हम लोगों का 1,300 रुपीज़ लगा था। तो उस ड्राइव में हम लोग इतने थक गए थे, मेरा होटल और अपना रूम आप लोगों को दिखाना मैं भूल गया। इस टाइम पे आंधी चल रही है और आंधी चलने के साथ साथ हल्की हल्की बारिश आ रही है, पर बहुत मिट्टी है। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ मैं मौसम कैसे खराब हो गया है। बहुत तेज हवा चल रही है और अभी तो थोड़ी देर पहले तो बिजली भी कड़की थी। देखिए कितनी बिजली कड़क रही है। आज गर्मी बहुत थी जिसकी वजह से शाम होते होते ऐसा मौसम हो चुका है, और अभी इतनी तेज आंधी चल रही है, पेड़ के हिलने से आप लोग देख सकते हैं, रह रह के बिजली कड़क रही है। ये देखिए कितनी तेजी से आंधी चल रही है, बादल कैसे हुए पड़े हैं। ये देखिए सुबह तो मौसम ठीक था, फिर दोपहर में फिर खराब हुआ और शाम होते होते कितना बेहतरीन मौसम, पर आंधी और धूल बहुत उड़ रही है। धूल बेशक धूल कितना आंधी कितनी चल रही है। बारिश शुरू हो चुकी है और बादल, बिजली अभी चमक रही है पर बारिश बादल, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है गरजने की। आप लोग मेरी इस वीडियो में साइड बाय साइड ये बिल भी देख रहे हो, जो कि हम लोगों ने टोटल मिला के जो एक्सपेंसेस हुए थे, हम लोगों ने किलोमीटर्स ड्राइव किया था, ये जो भी हम लोगों का था वो सारा डिटेल मैंने एक पेपर पे नोट डाउन करके इस साइड में आप लोग इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ओवरऑल हम लोगों का 4 मेंबर्स का इस पूरी जर्नी का ओवरऑल टोटल बिल अमाउंट बनता है 21,123 रुपये का। ये 21,123 जब हम लोगों ने 4 पर्सन में डिवाइड किया तो एवरी पर्सन पे ये बिल अमाउंट जो बनता है वो 5,281 रुपीस। इट्स मी आप लोग 4 मेंबर जा रहे हैं एक गाड़ी से मनाली खीर गंगा या ये सारे ट्रैक करने के लिए, तो ओवरऑल मिनिमम बजट आप लोगों का ये होगा 21,123 रुपये, नियर अबाउट 22,000 रुपये में आप लोग बहुत अच्छी मनाली खीर गंगा तोश सिसु वाटरफॉल अटल टनल ये सारी जर्नी आप बड़े आराम से कर सकते हैं।
होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और लाइक के बटन दबाने के साथ साथ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए।